हेलो एंड वेलकम टू ई लर्नर्स। तो आज देखते हैं अगस्त 1, 2018 के करंट अफेयर एमसीक्यूज। ये सर एमसीक्यूज एसएससी और बैंकिंग रिलेटेड होंगे और यूपीएससी के लिए अलग से वीडियो आएगा। मेरा नाम है महेश। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए, जो लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट पार हुआ था वो था 122वां बिल था, जो कि जीएसटी बिल था। ठीक है, तो वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था, जो कि 2016 में पास हो गया था। अभी जो हाल ही में पास हुआ है, अभी अगर आपने पीएम का इंडिपेंडेंस डे में जो स्पीच था अगर उनको गौर किए होंगे तो उसमें ये सारी बातें बताया गया था। काफी सारी चीजें था, जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह, फिर ये जो माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस को इसके बारे में, फिर वो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स जो है उनको परमानेंट कमीशन में डालने के लिए वोमेन कैटेगरी को, बहुत सारी चीजें था। तो उसमें से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो ये जो अभी का जो बिल पास हुआ है ये है 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये जो है ये बिल, इससे पहले क्या था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक बिल था, एक एक्ट था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। तो ये जो बिल अभी पास हुआ है इससे क्या हुआ, वो एक्ट को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सिटी टू होस्ट 22nd एडिशन ऑफ परंपरा सीरीज नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो ये जो क्लासिकल डांस वगैरह, क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर जो फेस्टिवल होता है परंपरा सीरीज, हर साल होता है, तो ये इस साल कहाँ मनाया जा रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, तो 22nd एडिशन ऑफ परंपरा सीरीज इज बीइंग हेल्ड एट दिल्ली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसका परंपरा सीरीज 2018 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, तो ये 10, 11, 12 अगस्त को होने वाला है। फिर देखते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो देखिए, फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट, तो थर्मल बैटरी प्लांट का क्या है, इसका तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है कैपेसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव सोर्स भी है, जो हमारे ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी हम जो यूज कर रहे हैं उसके एक अल्टरनेटिव सोर्स भी है। तो अभी जो फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट है ये इनॉग्रेट कहाँ किया जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश वुड बी द आंसर। देखिए, और कुछ चीजें इसके बारे में जानना चाहिए, जैसे कि बैटरी का जो मैन्युफैक्चरर है, तो इस कंपनी का नाम है भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेस्ट, BEST, भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब नया शुरू हो रहा है काम, और ये जो एक्सपेक्टेड इसका जो स्टार्ट है ये मई 2019 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अमरावती में ये सेटअप चल रहा है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और अमरावती आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल भी है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में, ये मैंने सारी चीजें कंपाइल कर दिया एक साथ, आंध्र प्रदेश, फिर उनके सीएम चंद्रबाबु नायडू, ये जो फोटो में आप सज्जन देख रहे हैं ये उनके सीएम ही है। ठीक है, फिर गवर्नर ESL नरसिम्हन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का अभी हाल ही में दो कैपिटल है। ठीक है, जब तेलंगाना डिवाइड हुआ तो हैदराबाद डिफेक्ट DGR रह गया, और डिफेक्ट अभी नया कैपिटल बन रहा है ये है अमरावती। ठीक है, फिर सारे नेशनल पार्क देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश के, पापाईगोंडा, श्री वेंकटेश्वर, मालापट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ कोरिंगा गोंडिया, फिर कृष्णा कोंडियन, तो ये सारे है। फिर देख सकते हैं स्टेट्स के डैम कुछ, जैसे कि नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा नदी के ऊपर है, फिर श्रीशैलम डैम ये भी कृष्णा नदी के ऊपर है, फिर सोमाशिला जो कि पेन्ना रिवर के ऊपर है। ठीक है, फिर कोबाड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, फिर कोलर लेक, पुलिकेट लेक, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। फिर ये कुछ थर्मल पावर स्टेशन के नाम, जैसे कि सीमाद्री और रॉयल सीमा। ठीक है, और नीचे जो दिया हुआ है ये है स्टेट एनिमल ब्लैकबक, फिर स्टेट बर्ड, फिर स्टेट ट्री, अभी हाल ही में ये न्यूज में था स्टेट ट्री जो उन्होंने अपना है नेम ट्री, एंड स्टेट फ्लावर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे है। तो ये कंपाइलेशन है, ये बहुत टाइम लगा मुझे ये बनाने के लिए 29 स्टेट्स का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नीति आयोग से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू मटेरियल रिसाइकलिंग पॉलिसी, तो ये कौन से सिटी में हुआ। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल ग्रोथ विद मटेरियल रिसाइकलिंग, तो ये चल रहा था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली पे ये जो चल रहा था मीटिंग, इससे क्या होगा, देखिए ये पहले तो ये याद रखना है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो इसका इनॉग्रेशन जो था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड
एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्टर भी है ये नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है, ठीक है। तो कैसे जो यूथ को हम मटेरियल रिसाइकलिंग प्रोसेस ये वगैरह, इससे नया जॉब कैसे जनरेट हो सके और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या निकल सके, ये सारी चीजों में यूथ को इम्प्लीमेंट करना, उनका नॉलेज उनका स्किल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो ये हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द कम्युनिकेशन एक्सरसाइज पैसिफिक एंडेवर 2018 अंडर द मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम है, तो पैसिफिक एंडेवर 2018, तो बेसिकली फर्स्ट थिंग ये इंडिया का एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ना ही ये श्रीलंका म्यांमार का है, ये नेपाल का है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, नेपाली आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड, ठीक है। तो यूएसए और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है पैसिफिक एंडेवर 2018, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 डे एक्सरसाइज अभी हाल ही में शुरू हुआ है इज टू डेवलप कॉमन कम्युनिकेशन ऑपरेशन प्रोसीजर टू एनेबल मिलिट्री फोर्सेस इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू कॉलेक्टिवली वर्क इन द वेक ऑफ डिजास्टर। तो आपको पता ही होगा नेपाल में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो पूरा अर्थक्वेक के रेड बेल्ट में आता है, तो इसलिए कैसे वो सारे डिजास्टर को अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है, रियल टाइम काम कर सके, तो ये सारी चीजों के ऊपर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड इनको ट्रेन करेगा नेपाली आर्मी को, ठीक है। तो ये पहले जब शुरू हुआ था 2005 में और तभी से ये चल रहा है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंट्रीज वुमेन टीम हैज क्लेम्ड द गोल्ड एट इन द ब्लिट्स इवेंट एट द एशियन नेशन चेस कप 2018। तो देखिए ये जो ब्लिट्स चल रहा था इसमें इंडिया ने जीत दखल कर ली है, इंडियन वुमेन टीम ने, तो ये आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। सो इंडियन वुमेन गॉट द ब्लिट्स टाइटल इन द एशियन नेशन चेस कप 2018, ठीक है। तो ये चल रहा था, ये इवेंट का वेन्यू जो था ये था हमादान ईरान में चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक इनटू द इश्यू रिलेटेड टू द प्रपोज्ड मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, जो कि हमारे इसके साथ है, आसियान कंट्रीज के साथ है। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विल बी हेडेड बाय हुम। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 10 आसियान ग्रुप के जो मेंबर है, जो कि नीचे आप लिखा देख सकते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, और इनके साथ है 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। तो इन सब के साथ ये एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एफटीए डील है, तो इसके नेगोशिएशंस बहुत दिनों से चलता आ रहा है, ठीक है, तकरीबन 2015 से शायद। तो ये अच्छे से डील हो नहीं पा रहा है काफी देश के अंदर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं कि ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स इसमें अभी तक खोलने बाकी है जो कि फ्री ट्रेड को लेके, ठीक है, तो नेगोशिएशन चल रहा है। तो इसी के ऊपर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के कमेटी बनाया गया है, तो उनको हेड कौन करेंगे, तो उनको जो हेड करेंगे इनका नाम है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है सुरेश प्रभु जी, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु विल हेड दैट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच रिनाउंड पर्सनैलिटी वॉज द ऑथर ऑफ द तमिल हिस्टोरिकल नोवेल थेनापंदी सिंगम। तो फर्स्ट आपको ये बताना चाहिए न्यूज में क्यों आया ये बुक, तो बहुत ही पुराना बुक है थेनापंदी सिंगम, लेकिन इनके जो राइटर है इनके नाम है मुथुवेल करुणानिधि, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में गुजर चुके हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे न्यूज में है, ठीक है। तो मुथुवेल करुणानिधि 1924 डेट ऑफ बर्थ, एंड अभी जो हाल ही में इनका एक्सपायर हुआ है तकरीबन 7 या 8 तारीख को, ठीक है। तो इनके लाइफ के ऊपर ये पूरा जो टाइमलाइन दिया हुआ है, फोटो मुझे नेट पे मिला, तो इसको आप अच्छे से करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे दिख रहे हैं तो शायद क्लियर ना है ये फोटो, तो इसमें सारी चीजें डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म किया जा सकता है कि हु इज द कैरिज्मेटिक लीडर हु पास्ड अवे रिसेंटली फ्रॉम तमिलनाडु, और मुथुवेल करुणानिधि फ्रॉम व्हिच पार्टी, तो ये डीएमके के थे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। तो ये जो करमन कौर थांडी है ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है। सो ये न्यूज में क्यों था, करमन कौर थांडी बिकम फ्रॉम दिल्ली हैज बिकम ओनली द 6th इंडियन वुमन टेनिस प्लेयर टू क्रैक द टॉप 200 रैंकिंग इन सिंगल्स एंड इज नाउ रैंक्ड एट एग्जैक्टली 200 इन वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन रैंक। तो ये जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का रैंक है
इसमें जो कार्बन पर ठंडी है अभी एग्जैक्टली 200+ पे है, ठीक है, तो ये टेनिस से बिलोंग करती है। फिर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके तहत मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से कंपनी को मिला है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, LIC, नेस्ले। तो अमूल, ठीक है, तो ये जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है गुजरात का, इनको मिला है मार्केटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है? एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अमूल, अमूल के कुछ गाइडलाइंस। तो आनंद ये जो गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, ठीक है, उनको फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, ठीक है। और ये जो अमूल कंपनी है ये इनके द्वारा रन किया जाता है, ये कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, तो इनका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। 11th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो देखिए, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स का मतलब क्या होता है? कि किसी को उसके मर्जी के खिलाफ उठा के ले जाना, ठीक है, फिर उससे कोई भी काम करवाना, ठीक है, बैगिंग हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन हो या फिर कोई और जो मजदूरी जो बंधुआ लेबर होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें करवाना, तो ये होता है ट्रैफिकिंग, तो इलिसिट ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको। तो 2018 का वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन का थीम क्या था? तो इसका थीम था रेस्पॉन्डिंग टू द ट्रैफिकिंग इन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो दुनिया के जितने लोग टोटल गुमराह होते हैं, मतलब ट्रैफिकिंग होते हैं, उनका 1/3 जो है ये बस चिल्ड्रेन ही है, ठीक है। तो इतने लोग अगर चिल्ड्रेन है तो ये बात बहुत ही हैरानी की बात है, और हमें सोचना, ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली बेगिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये सारी चीज जो है समाज में बढ़ते ही जाएंगे। तो ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? जुलाई 30 को, ठीक है, वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। फिर देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम यूके फ्रांस चैनल। तो यूके फ्रांस चैनल को तैरने वाला फर्स्ट एशियन कौन है? तो ये है, इनका नाम है प्रभात कोहली। तो इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, ये एक स्विमर है, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, मुझे भी पहले बात मालूम नहीं था, आज जब सर्च किया तो मालूम पड़ा। ये अभी जो है 19 साल की उम्र है, तो अभी 19 साल में ये यूके फ्रांस चैनल को तैर चुके हैं। इससे पहले 3 साल पहले 16 साल में ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले है बेसिकली, प्रभात कोहली। 13th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप आई हब द इंटेलिजेंट हब फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक लर्निंग। तो देखिए, रिसर्च एंड साइंटिफिक लर्निंग के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आई हब सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आज तकरीबन 5 या 3 या 4 बार आंध्र प्रदेश का नाम आने वाला है, तो आंध्र प्रदेश है जो कि आई हब सेटअप किया है, ठीक है। तो ये जो सेटअप किया गया है, दो कोलाबोरेशन, जो दो कोलाबोरेटर्स है कौन कौन है? एक तो है यूनेस्को और दूसरा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा किया गया, बेसिकली एजुकेशन कैसे अच्छे स्किल प्रोवाइड किया जा सके यूथ को, ये सारी चीजों के लिए है। आंध्र प्रदेश का और एक स्कीम ही चल रहा है यूथ को भत्ता टाइप का देने का, ठीक है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। फिर 14th क्वेश्चन देते हैं, व्हिच हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। तो देखिए, स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या प्रॉब्लम्स है? कुछ तो है जो कि काम अटके पड़े हुए है, और कुछ है जो कि एक बैड असेट बनते जा रहे हैं, ठीक है, एनपीए बनते जा रहे हैं। कैसे बनते जा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट अभी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ये जो बिजली वितरण कंपनी है, बेसिकली थर्मल, आपको पता ही होगा थर्मल एनर्जी हमारा कंट्री का मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी जब एनर्जी शिफ्टिंग हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या रहा है, इनके जो काफी सारे लोन्स वगैरह है ये एनपीए में तब्दील होते जा रहा है। तो इसी के ऊपर एक कमेटी बनाया गया है, इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा कमेटी, ठीक है। तो प्रदीप कुमार सिन्हा कमेटी बेसिकली फ्यूल एलोकेशन पॉलिसी है, या फिर मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टिंग एंड फिर एफिशिएंसी, फिर जो बैंकरप्सी कोड का जो नया रूल लागू है, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देके ये कमेटी बनाया गया है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट। तो ये नेपाल में हुआ है, काठमांडू में, ठीक है। तो नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट कहाँ पे हुआ है? ये है काठमांडू पे। सो एम क्या है इसका? फोस्टरिंग
ग्रेटर कोलाबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग थिंक टैंक्स ऑफ टू कंट्रीज। 16 क्वेश्चन देते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द म्यांमार गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमीशन टू प्रोब ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द एथनिक रोहिंग्या माइनॉरिटी। तो ये तो दो साल एक साल से चल ही रहा है, ये इशू एक साल के ऊपर हो गया है। तो अभी म्यांमार गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एक कमिटी बनाया है 4 मेंबर्स के। तो उस कमिटी को बेसिकली ये दायित्व दिया गया है कि जो एथनिक रोहिंग्या माइनॉरिटी है उनके साथ कोई उनका जो ह्यूमन राइट्स वगैरह उनका कोई हनन ना हो रहा है ये सब चीजें देखने के लिए उनको। तो इनका जो नाम है रोसारियो मानोलो, ठीक है, रोसारियो मानोलो, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी है। और एक चीज जो है आपको पता होना चाहिए, देखिए म्यांमार में जब रोहिंग्या को वहां से डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, तकरीबन 7 या 7.5 लाख, तो ये सारे रोहिंग्या जो डिफरेंट कंट्रीज में घुसे, तो एक क्वेश्चन तो ये फ्रेम हो सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ गए, सबसे ज्यादा जो घुसे है वो है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम मोबाइल तिहार अंडर द संचार क्रांति योजना। तो ये संचार क्रांति योजना के अंडर में, संचार क्रांति योजना बेसिकली है क्या, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो विलेज में, तो ये है संचार क्रांति योजना। और मोबाइल तिहार जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जैसे कि स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तकरीबन 50 लाख बेनिफिशियरीज को, ठीक है। बेसिकली ये वोमेन और स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, उनको फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये कौन से गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, ये है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो सीएम है डॉक्टर रमन सिंह, फिर बलराम दास टंडन गवर्नर, ठीक है। फिर ये नेशनल पार्क गुरु गुरु घासीदास इंद्रावती कांगेर घाटी, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, पामपर ये कुछ लिया जाता है पामेर, ठीक है। फिर कुछ डैम भी है, ठीक है, महानदी के ऊपर ये दोनों डैम है, एक तो है दुधवा और एक है गांगरेल, ठीक है, गांगरेल को रविशंकर सागर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर थर्मल पावर प्लांट्स बिलय एक्सपेंशन या फिर शीपत कोरबा हंसदेव, ठीक है। और यहाँ के जो स्टेट एनिमल है ये है वाइल्ड बफालो, ठीक है, ये है स्टेट बर्ड और ये है स्टेट ट्री, ठीक है। कैपिटल रायपुर है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने सेट कर दिए, ऐसे आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद रखिए। द फर्स्ट काउ सेंचुरी ऑफ राजस्थान विल कम अप इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन तो इससे अच्छा बन सकता था कि पहला जो काउ सेंचुरी है ये इंडिया का कौन से स्टेट में हुआ है, तो ये है राजस्थान में। तो पहली बार ये हो रहा है, ठीक है, काउ के लिए सेंचुरी बनाया जाता है, जैसे कि टाइगर वगैरह के लिए सेंचुरी बनाया जाता है, तो काउ के लिए सेंचुरी बनाया जाता है। तो ये जो है अभी जो हुआ है ये है राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। तो तकरीबन 10,000 बोवाइंस को रखा जाएगा, बोवाइंस मतलब मवेशी होता है, और ये जो एरिया है तकरीबन 220 हेक्टर्स का एरिया में ये किया जा रहा है, ये सेंचुरी बनाया जा रहा है, ठीक है, बीकानेर राजस्थान। फिर देखते हैं, व्हिच इंडियन फिल्म बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द थर्ड एडिशन ऑफ द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018। तो जो थर्ड एडिशन ऑफ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 चल रहा था उसमें कौन सा मूवी है जिन्होंने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो ये है न्यूटन, ठीक। तो राजकुमार राव का मूवी है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन के डायरेक्टर कौन है ये भी याद रख लीजिए, तकरीबन 5-7 अवार्ड तो न्यूटन को मिल चुका है। और ये जो दूसरा वाला है विलेज रॉकस्टार, इसको भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो न्यूटन का जो डायरेक्टर है इनका नाम है अमित मशूरकर, ठीक है। और विलेज रॉकस्टार जो है इनको मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो विलेज रॉकस्टार का डायरेक्टर कौन है, रीमा दास है। फिर देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 2018 इंडिपेंडेंट डे एज अ शहीद सम्मान दिवस टू ऑनर मार्टियर्स। तो देखिए शहीद सम्मान दिवस पालन किया जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट डे है 15 अगस्त को, उस दिन शहीद सम्मान दिवस पालन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, ठीक है, हमारे आर्मी में जवान जो है, तो जो लोग शहीद हुए डिफेंस फोर्स में जो लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए इंडिपेंडेंस डे को कमेमोरेट करके उनका शहीद सम्मान दिवस पालन किया जाएगा। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, तो नंबर 20 का जो आंसर है ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश के बारे में भी देखते हैं, ठीक है, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नमेंट आनंदीबेन पटेल, भोपाल है इसका कैपिटल। फिर देखिए नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बहुत सारा है, ठीक है, कान्हा पन्ना पेंच सतपुरा बनबिहार बहुत सारे नेशनल पार्क है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत सारे है, और छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट और भीमपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, हालांकि छुटका जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है,
फिर डैम है, ठीक है, गांधी सागर डैम है, फिर इंदिरा सागर डैम भी है नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, फिर थर्मल पावर स्टेशन भी कुछ है, विंध्याचल, सातपुड़ा टीपीएस, संजय गांधी, फिर अमरकंटक, ठीक है, और जो मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल है वो है स्वामप डीर, फिर स्टेट बर्ड जो है एशियन पैराडाइज फ्लाईकैटर, फ्लाईकैचर, एंड देन स्टेट ट्री बनियन, एंड स्टेट फ्लावर जो है ये है पैरोटी। फिर देखते हैं व्हिच एक्लेम्ड पर्सनालिटी हैज बीन सिलेक्टेड 2018 राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड फॉर प्रोमोटिंग कम्युनल हारमोनी एंड पीस। तो 2018 का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किनको मिल रहा है? तो बेसिकली सद्भावना अवार्ड जो मिलता है क्यों मिलता है, अगर कम्युनल हारमोनी या पीस को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारा योगदान दिया हुआ है तो उनको मिलता है ये अवार्ड, ठीक है। तो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गांधी जो है एक आईएएस कैडर का ऑफिसर है और ये पहले जो है फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी। फिर देखते हैं द 2018 वर्ल्ड रेंजर्स डे। तो रेंजर्स कौन होते हैं? बेसिकली फॉरेस्ट में जो रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट का हायर ऑफिसर रहते हैं रेंजर्स। तो वर्ल्ड रेंजर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई 31 को, ठीक है। सो 31 जुलाई और द लास्ट डेट ऑफ जुलाई इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड रेंजर्स डे। फिर देखते हैं द फेमस गॉडेस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल व्हिच हैज गॉट इट्स फर्स्ट नॉन ब्राह्मीन एज अर्चिका, अर्चिका मतलब प्रिस्ट होता है जो पूजा करते हैं मंदिर में, इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो पहले तो क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जाता है कि कौन सा ऐसा इंडियन मंदिर है जहाँ पे पहली बार नॉन ब्राह्मीन को एज ए अर्चका अपॉइंट किया गया है, तो ये है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो ये क्वेश्चन में है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, मदुरई में, तमिलनाडु में, मदुरई जो है तमिलनाडु के अंदर वहां पे है ये मंदिर। तो ये बैंक ऑफ वैगई रिवर के पास में आता है, वैगई VAIGAI वैगई रिवर, और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर तमिलनाडु का कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं, कैपिटल तो चेन्नई ही है आपको पता ही होगा, फिर सीएम एडापड़ी के पलानीसामी और गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है। फिर नेशनल पार्क देखिए जो मुकुट्टी, पुदुमलाई, गुंडी, ठीक है, फिर बर्ड सेंचुरी भी देख लीजिए, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है, ठीक है, जो शिवांगोत्तोपू ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है कुंदनकुलम, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि इंडिया रशिया की मदद से बनाया गया है, ठीक है, और जो है मैड्रास कलपगम एटॉमिक पावर स्टेशन ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है। फिर कुछ थर्मल पावर स्टेशन है और ये कुछ स्टेट के एनिमल, देन बर्ड्स, देन ये सब सारी चीजें हैं, ठीक। तो इसको बच्चे से बैठ के एनालाइज कीजिए। 24th क्वेश्चन देखते हैं व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो देखिए बायोफ्यूल्स जो है क्या होता है, बेसिकली बायो डीजल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बायोफ्यूल जो है देखिए जो स्टार्च हो, चाहे मोलासेस हो, फिर कुछ ऑयल शीट्स हो, ठीक है, शुगर कैन, व्हीट, ये सारे चीजों से जब हम इसको गला के इनसे जब फ्यूल निकालेंगे, हालांकि प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है और टेक्निकल चीजों के अंदर उसके कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए जो कि फूड ग्रेन्स वगैरह हो इनसे जो फ्यूल निकलता है इनको बायोफ्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल का गवर्नमेंट तो बना ही दिया था, ठीक है, तो ये मई में बनाया गया था, और अभी जो फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने की बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाया है ये है राजस्थान, ठीक है। सो राजस्थान गवर्नमेंट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया दैट हैव इम्प्लीमेंटेड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो बेसिकली इथेनॉल प्रोडक्शन किया जाता है, ये आप याद रखिए, नेशनल पार्क जो है डेजर्ट, केवलाडियो, मुकुंद्रा, रणथंबोर, सरिस्का, ठीक है। तो ये बार बार देखने से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है कुछ, फिर डैम्स है, बहुत सारे डैम्स है राजस्थान में, ठीक है, और फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि इंडिया और कनाडा ने बनाया है, और फिर रावतभट्टा, ये याद रखिए, रावतभट्टा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और जो छाबरा थर्मल पावर प्लांट है ये भी राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ के सीएम है वसुंधरा राजे और कैपिटल है जयपुर, ठीक है, गवर्नर कल्याण सिंह है। तो ये सारी चीज यहाँ पे टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा जो भी मुझे नया डाटा मिले। फिर देखिए 25th क्वेश्चन व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए 360 डिग्री नेशनल वाइड पब्लिसिटी कैंपेन फॉर 2018 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो देखिए मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अगर कहाँ पे हो रहा है ये अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बस हलवाई है। तो 2018
मेंस हॉकी जो है ये ओडिशा में हो रहा है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हो रहा है, और ये जो कैंपेन है इस कैंपेन का नाम क्या है, हार्डवेयर्स फॉर हॉकी, ठीक है, हार्डवेयर्स फॉर हॉकी। तो ये जो लॉन्च किया गया ड्राइव, ये ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है हॉकी में इंटरेस्ट दे और ये गेम में पार्टिसिपेट मतलब आए ऑडियंस के तौर पे, ठीक है, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फिर देखिए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है यहाँ के, और गवर्नर जो है अभी नए हाल ही में चेंज हुआ है, एक महीने भी नहीं हुए, गणेशी लाल जी, ठीक है। फिर यहाँ का कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। फिर नेशनल बर्ड स्कूल देख लीजिए, भितरकनिका हो, नंदन कानन हो, शिमलीपाल हो, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफी अच्छा जगह है। फिर सातकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। फिर तो बड़े बड़े डैम है जैसे कि हीरागुड डैम, ये महानदी के ऊपर है, महानदी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आता है, ठीक है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाता है, तो हीरागुड डैम, फिर इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर कुछ थर्मल पावर स्टेशन भी है जैसे कि तालचेर हो, हीरागुड कैप्टिव हो, फिर एक चिलिका लेक है, चिलिका बार्ड सेंचुरी भी है, ठीक है, और उड़ीसा का जो स्टेट एनिमल है सांबर, फिर स्टेट जो ट्री है बनियन है, और स्टेट फ्लावर जो है लोटस, ठीक। फिर देखते हैं व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो ये था 96th, ठीक है। तो ये जो ई गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 96, ये बायनियल रिपोर्ट है, ठीक, और इसमें जो टॉप करता है हमेशा जो नॉर्डिक कंट्रीज वगैरह है वही ये सब डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे रहते हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो टॉप किया है इस ई गवर्नेंस इंडेक्स में, इसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ई अक्षरायन टू एनेबल कन्वर्टिंग ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनटू एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट्स। तो देखिए कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट हो उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा आप चेंज करके एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि विंडोज में काफी अच्छे एप्लीकेशन नहीं मिलते ये चेंज करने के लिए, लेकिन तकरीबन तकरीबन काम चल जाता है इंग्लिश के लिए, लेकिन कोई भी हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ कौन सा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, जो मेटी का मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में मेटी बोलते हैं, MeitY। तो ये अभी लॉन्च किए हैं एक एप्लीकेशन, इसका नाम है ई अक्षरायन। इसे क्या होगा, तकरीबन 7 इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, बांग्ला, फिर मलयालम, गुरुमुखी, तमिल, कन्नड़ एंड असमीज, ये सारे लैंग्वेज का कोई भी अगर PDF फॉर्मेट आपके पास हो और उस चीज को अगर कोई भी फोटो हो या कुछ भी हो उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एमनेस्टी प्रोग्राम फॉर फॉरेन वर्कर्स आउटसाइड ओवरस्टेइंग परमिट्स। तो देखिए काफी सारे इंडियन है जो कि बाहर के देश में जाके रहते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, बहुत सारे देश से जाते हैं, बाहर के जाते हैं, NRIs होते हैं, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि रेमिटेंस बढ़ता है। तो ये सब चीज तो बात की बात है, लेकिन कौन सा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रह गए हैं जो कि विदाउट वीजा परमिट के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वीजा उनका एक्सपायर हो गया लेकिन वो घुल मिल गए उस जगह पे, तो कि आ नहीं रहे, रिटर्न आ नहीं रहे, तो उन लोगों के लिए ये सारे एक फैसिलिटी बनाया गया है जो कि UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल क्या है, अबू धाबी है, लोग सोचते हैं दुबई है, दुबई नहीं है, अबू धाबी है कैपिटल, और यहाँ पे जो करेंसी है ये है धीरम, ठीक है। तो एक 3 मंथ का कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है, अगस्त से सितंबर तक, जिसमें क्या होगा, इंडिया से तकरीबन 28 लाख लोग हैं, ठीक है, तो 2.8 मिलियन लोग तकरीबन हैं जो कि UAE में है, वो उसमें से तकरीबन 15 to 20% जो है वो प्रोविस्टन से, और जो एक 20% का आंकड़ा है वो है जो प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन कुछ काम वगैरह स्टाफ वगैरह काम वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और जो 65% है वो वर्कर है, ठीक है। तो बेसिकली वर्कर सेक्शन के लोग ही ज्यादातर रह जाते हैं, ठीक है, विदाउट वीजा परमिट के, विदाउट वर्क परमिट के, तो उनको एक्सपैट्रिएट करने के बाद किया जा रहा है, ठीक है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम मुख्यमंत्री युवा नेस्तम। तो ये मैंने पहले बता रहा था, आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर है और अगर उनका एज 22 से 35 साल के अंदर अंदर है तो उनको ₹1,000 पर महीना दिया जाएगा, ठीक है, भत्ता के रूप में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है आंध्र प्रदेश का स्कीम है, तो देखिए ये सिर्फ पॉपुलिज्म स्कीम से है, तो मेरा अगर पर्सनल व्यू आप माने तो कि अभी इलेक्शन ईयर है तो ये सारी चीज चलता रहेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच
हु वॉज द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड फॉर 2015। तो देखिए 2013 से 2017 तक एक लिस्ट है जिसमें कि पांच पार्लियामेंट्री मेंबर्स है जिनको पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है 2015 का। तो पहला जो है इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के थे। फिर है हुकुमदेव नारायण, ठीक है, और फिर है गुलाम नबी आजाद, और फिर है दिनेश त्रिवेदी, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट भद्रुहरि महताब। तो इनमें से इनको मिला है 2015 में। तो ये सीक्वेंस सबको याद रखना चाहिए, नजमा हेपतुल्ला फर्स्ट, देन हुकुमदेव नारायण, जो मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ वो उसी क्रम में है, ठीक है। फोटो अगर गौर से देखे तो ये है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, ये है हुकुमदेव नारायण, ये है गुलाम अली नकवी, ये है दिनेश तिवारी, ये है भद्रुहरि महताब। देखिए आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड जो है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मणिपुर गवर्नमेंट के थे, मणिपुर गवर्नर भी 5 टाइम मणिपुर गवर्नर भी थे, हुकुमदेव नारायण बीजेपी के है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के है, फिर दिनेश त्रिवेदी, ठीक है, दिनेश त्रिवेदी जो है ये तृणमूल कांग्रेस के है टीएमसी, और फिर भद्रुहरि महताब जो कि बीजेडी से है, ठीक। हुआ जो ऑन द 2018 फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो देखिए इसका मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने भी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीते है, ठीक है। तो तुक्का मार के भी आप लुइस हैमिल्टन या फिर सेबास्टियन वेटल पे ही लगाइएगा, क्योंकि इन दोनों में से अक्सर एक जीत जाता है। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है ये जो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, और इनके जो बेस्ट ओपोनेंट है, ठीक है, सेबास्टियन वेटल, ये सारे फेरारी के चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए 2018 का सारे रेस रिजल्ट्स, ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो जर्मनी के बारे में, ठीक है, तो उसको लुइस हैमिल्टन ने जीता हुआ है, और फिर हंगेरी टाइटल भी लुइस हैमिल्टन के पास है। हंगेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च व्हिच डेडिकेटेड पोर्टल टू कनेक्ट कार्गो ओनर्स एंड शिपर्स विद रियल टाइम डाटा ऑन अवेलेबिलिटी वेसल्स। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी कार्गो ओनर है और कोई भी एक व्यक्ति है जो कि अपना माल लेना चाहे, तो उनको अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा इनके लिए, ये सब आसानी होंगे, ठीक है। और वैसे भी कार्गो ओनर जो है वो क्या करेगा अपने चीजों के वैकेंसी वगैरह कितना खाली है, क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीजों के बारे में भी वो लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो लॉन्च हुआ है इसका नाम है फोकल, ठीक है, FOCAL, फोकल। फोकल का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म अपने फोरम ऑफ कार्गो एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, ठीक है। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड व्हिच ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन टू क्राउडसोर्स सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर मोबिलिटी इन इंडिया। तो देखिए फ्यूचर मोबिलिटी इन इंडिया जगह करते जा रहे हैं, लोगों की आबादी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब क्रिएट करना दिन ब दिन प्रॉब्लम ही होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए यूथ को इन्वाइट किया गया है कि वो अपना अच्छा से सजेशन रखे। तो ये सारी चीजों के लिए एक हैकाथॉन किया गया था, तो इसका नाम है मूव हैक, ठीक है, मूव हैक। तो देखिए द पर्पज ऑफ मूव हैक इज टू ब्रिंग अबाउट इनिशिएटिव डायनामिक एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू मोबिलिटी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कौन सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये सब चीजों के लिए ये है, ठीक है। फिर देखते हैं व्हिच इंडियन गोल्फर हैज वन द 2018 फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टाइटल। तो फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टाइटल किन्होंने जीता है, इनका नाम है गगनजीत भुल्लर, ठीक है। फिर देखते हैं द 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन ओरल इम्प्लांटोलॉजी हैज रिसेंटली हेल्ड इन व्हिच सिटी। तो देखिए ओरल इम्प्लांटोलॉजी क्या है, डेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह है, ठीक है। तो इनके लिए जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को लेके ही बैठेंगे। सो इसका जो 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस है ओरल इम्प्लांटोलॉजी में, तो न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर देखते हैं द मुगल सराय जंक्शन हैज रिसेंटली रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, इट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो देखिए मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के काफी सारे जगह बुक किया जा रहा है दीनदयाल जी के नाम पे। तो मुगल सराय स्टेशन जो है ये कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में था, राइट। फिर 37th क्वेश्चन देखते हैं व्हिच इंडियन डेवलपर हैज क्लेम्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट। तो न्यूज में था कि सऊदी अरेबिया ने एक बना दिया था अपना उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक रोबोट बनाया था, ठीक है, जो कि बात कर रहा था, इंडिया में भी आया हुआ था वो रोबोट सोफिया बोल के। तो अभी इंडिया का एक डेवलपर ने सिर्फ 50,000 रुपया खर्चा करके एक रश्मि बोल के रोबोट बनाया है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रंजित श्रीवास्तव, ठीक है, रंजित श्रीवास्तव।
ठीक है। तो ये बस 50,000 खर्चा करके तकरीबन 2 साल लगे इनको ये बनाने में। फिर ये वो सारे खूबियाँ इसमें है, और बहुत ही जो फाइनेंशियल बजट है ये बहुत ही कम है इसका, ठीक है। तो अभी भी ये बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह इसमें तो होंगे। तो रश्मि हिमालय रोबोट बोर्ड जो कि रंजित श्रीवास्तव, देखिए ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बर्ड सेंचुरी देख लीजिए, ठीक है। ओखला बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़, श्रीशैलम, रिहान डैम, ये सारे भी उत्तर प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। एक स्टेट में तकरीबन 50-60 है। फिर स्टेट एनिमल स्वान डीर, फिर साइरस क्रेन स्टेट बर्ड, फिर अशोक, एंड फिर ब्रह्मकमल जो कि स्टेट फ्लावर है, ठीक है। फिर देखते हैं द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री, किनके किनके बीच में होता है, ये इंडियन मिलिट्री जो कि इंडियन आर्मी है और रॉयल मिलिट्री ऑफ थाईलैंड, इनके बीच में होता है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो गया ये है थाईलैंड। तो इस साल का थीम क्या रहेगा, जो एंटी टेरर कोऑपरेशन है, ये सब चीज के ऊपर रहेंगे, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which IT institute has developed the first indigenously micro processor, Rice Creek, under the project Shakti? तो देखिए under the project Shakti ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है Rice Creek, तो बहुत ही काम में आने वाला है हमारे, अगर ये अच्छे से टेस्टिंग फेज में पास हो सके होगा तो, जो कि नाविक जो हमारा है, ठीक है, इंडिया रीजनल नेविगेशन नेविगेशन सेटेलाइट, ठीक है, नाविक जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये नाविक में बहुत सारा हेल्प करने वाला है ये, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है, इसको बनाया है IIT मद्रास के प्रोफेसर ने, ठीक, IIT मद्रास। फिर देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट फोर्थ रेस 100 करोड़ अंडर व्हिच इनिशिएटिव। तो ये जो रिसर्च के लिए जो पैसा दिया जा रहा है ये है इम्प्रिंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इम्पैक्टिंग रिच इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट। तो इसका जो चल रहा है सेकंड वर्जन चल रहा है, ठीक है, तो इम्प्रिंट का सेकंड वर्जन चल रहा है इसलिए इम्प्रिंट। फिर देखते हैं द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड ए पैक्ट विद हुइच बैंक फॉर लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन टू ट्यून ऑफ रेस 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ के लिए जो नाई है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो किसके साथ कोलाबोरेट कर गया, ठीक है। सो 14 का आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन शटलर टू विन द वुमेन सिंगल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फॉर थर्ड टाइम। तो ये थर्ड टाइम के लिए है, इसमें से 2 बार तो कंसेक्यूटिव थे। तो थर्ड टाइम के लिए जो है फर्स्ट ओवर वुमेन शटलर जो कि वुमेन सिंगल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुके हैं, तो इनका नाम है कैरोलिना मारिन, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर है कैरोलिना मारिन, ये फोटो में भी देख सकते हैं कैरोलिना मारिन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ये है कैरोलिना मारिन। और एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, जो 3 बार कंजर्वेटिव जीते हैं इसमें से 2 बार तो इंडिया को ही हरा के जीते हैं, पीवी सिंधु जी को, ठीक है। तो इस बार भी वही हुआ, पीवी सिंधु जी को हरा के ये जीते हैं। फिर देखते हैं व्हिच स्टेट हैज टॉप इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2018। तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का नाम टीचर आने वाला है, तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश हैज टॉप इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2018। फिर फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच बैंक हाइक्स रिपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो 25 बेसिस पॉइंट्स के हाइक किसने दिया, तो देखिए रिपो रेट का हाइक जो है आरबीआई देता है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सी लिए, तो आरबीआई जो है पहले ये 6.25 पे था, इसको अभी 0.25 बेसिस पॉइंट का हाइक दे के इसको बना दिया गया 6.5%। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर अब याद रखिए 1935 है, ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ रेस डैश ट्रिलियन दैट इज 62.57 बिलियन डॉलर्स फॉर अप्रैल टू जून जो कि सेकेंड क्वार्टर है, ठीक है। तो अप्रैल टू जून सेकेंड क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिस्कल डेफिसिट का रेस कितना ट्रिलियन बताया, ये है 4.29 ट्रिलियन, ठीक है, 4.29 ट्रिलियन। फिर देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज क्वेश्चन का आंसर होगा 4.29 ट्रिलियन रुपीज। 46 क्वेश्चन देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर AID सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम व्हिच स्टेट। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है इसको कहाँ से ट्राई किया गया था, ये था ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर जो है,
हुलर आइलैंड, उसको भी नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, जो कि हुलर आइलैंड था पहले, वहां पे ये खोज किया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। फिर देखते हैं परसेंट क्वेश्चन। रिसेंटली अक्षय वेंकटेश गॉट द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल जो है नोबेल के बराबर ही होते हैं। आपको पता होगा नोबेल नहीं दिया जाता मैथमेटिक्स में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में इनको फील्ड मेडल मिला हुआ है, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका है मैथमेटिक्स। 48 क्वेश्चन देखते हैं। इनकमेंट एमरसन मनागावा हैज बीन इलेक्टेड एज व्हिच कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो ये कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट बने? जिम्बाब्वे। ठीक है, ये पहले इनकमेंट थे, मतलब पोस्ट के इंचार्ज थे, और अभी परमानेंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट विल हैव गैस सर्विंग वुमेन जजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट में? अभी 3 है। ठीक है, रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है 3 है, और ये भी इंडिपेंडेंस डे के जो भाषण में मोदी जी ने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 3 है, कभी भी 3 जज एक साथ नहीं थे। तो एक का नाम है आर भानुमति, फिर इंदु मल्होत्रा, फिर इंदिरा बनर्जी। तो इंदु मल्होत्रा इंदिरा बनर्जी को लेके जो रिमर्स वगैरह थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 जजेस। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज बीन रिसेंटली बार्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ओवर डिस्क्रिपेंसेस इन एड्रेस ऑफ केवाईसी नाम्स। तो देखिए, वन टाइप ऑफ ये जो है पीसीआई है, फ्रॉम करेक्टिव एक्शन ही है। तो कौन से पेमेंट बैंक को मना किया कि आप और न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए क्योंकि डिस्क्रिपेंसी इन ऑडियंस अदरेंस टू केवाईसी नॉर्म्स। तो ये 50 क्वेश्चन का आंसर जो है ये है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक को अभी आरबीआई ने ये डाटा है। ठीक है, फिर 51 क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली तंबाकू हैज वन द गवर्नर्स कप हेल्ड इन बैंगलोर, दिस कप इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो कम्बाकू जो कॉप है ये किससे रिलेट करता है? ये है हॉर्स राइडिंग से रिलेट करता है। ठीक है, इसका जो 51 का आंसर हो गया हॉर्स राइडिंग। फिर देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट इंटरटाइडल आर्ट गैलरी ओपन इन विच कंट्री। तो इससे पहले एक न्यूज था सिमिलर टू सिमिलर कि कोई 3D म्यूजियम जो बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है, वो था जापान में। और ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट इंटरपोर्टल आर्ट गैलरी, तो ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे है? ये है मालदीव्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। पता ही होगा मालदीव्स के साथ हमारा रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक, 53rd क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री ओवरटेक्स चाइना टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो चाइना को किसने स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है? ये है जापान। ठीक, तो जापान ने चाइना को पीछे छोड़ के स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में आगे जा चुका है बहुत ही। ठीक है, इसके लिए अभी जापान में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह ये काफी यूज हो रहा है, इससे इनके इकोनॉमी को एक अच्छा सा बूस्ट मिला हुआ है। ठीक, फिर देखते हैं, हु इज स्टेपिंग डाउन एज सीईओ ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस जेंट जो है पेप्सी को, जो पेप्सी हम पीते हैं नॉर्मल पेप्सी, उसका ही जो सीईओ है वो स्टेपिंग डाउन मतलब रिजाइन कर रहे हैं, सेटिंग पर्सनल रीजंस ऑब्वियसली। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंदिरा नोई। ठीक, इंदिरा नोई। फिर देखते हैं, हु हैज मेंटेन्स फर्स्ट स्पॉट इन एटीपी रैंकिंग। तो एटीपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है एटीपी। तो जो एटीपी रैंकिंग में फर्स्ट स्पॉट कौन है? ये है राफेल नाडल। ठीक है, तो इनका नाम है राफेल नाडल। ये इतने साल के हो गए फिर भी अच्छे से खेल रहे हैं, और इनका जो और एक कॉम्पिटिटेंट है, ठीक, नोवाक जोकोविक। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे खेलते हैं। फिर देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ डीएफसीसीआईएल। तो डीएफसीसीआईएल क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएफसीसीआईएल। तो इसका एमडी कौन है? तो इनका नाम है अनुराग सत्संग। ठीक है, अनुराग सत्संग। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विंस वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप किन्होंने जीता है 2018 का? ये जीता है नेदरलैंड ने। ठीक है, आयरलैंड को हरा के नेदरलैंड ने जीता है, लेकिन ये जो जीत था फाइनल मैच में देख रहा था बहुत ही शानदार जीत था। ठीक है, 6-0 पे हराया है जो इसको आयरलैंड को नेदरलैंड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीक के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।